हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। माय सेल्फ रजत शर्मा। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि आपको पता है, हमारे नेशन में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कुछ लोग अपर क्लास हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ डिफरेंट कास्ट के हैं, कुछ अलग स्ट्रेटा से आते हैं। इन इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हम लोग यूनाइटेड हैं। इट मींस कि हम चाहे कुछ भी कास्ट से आते हैं या क्लास से आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक पर्टिकुलर नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हम सभी लोग यूनाइटेड हैं। सेकंड है हाइब्रिड कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी। इट मीन्स कि चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमने अपना जो ट्रेडिशन है उसको हमने पीछे नहीं छोड़ा। जैसे कि अगर हम बात करें, पंजाब का एक फेमस डांस है भंगड़ा। हम कितनी भी लैविश वेडिंग करें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेडिशन रहता है जिससे हमें पता लग जाता है कि जो लोग हैं किस पर्टिकुलर कास्ट से। एक तरह से वो पहचान बन जाती है उनकी। जैसे मॉडर्न वेडिंग्स होती हैं, उसमें कितने ही चाहे वेडिंग प्लानर्स आ जाएं, कुछ भी सेटअप बना लें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल टच हमेशा रहता है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म प्लस मटीरियलिज्म। इट मीन्स कि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी रहते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है कि हम कुछ एकांत में ध्यान लगाते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा करते हैं? सिर्फ थोड़े पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर अपने हम उसी उधेड़बुन में, उसी हमारी जो कार्यशैली है उसमें हम बिजी हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं तो उसका भी टाइमिंग है, सिर्फ 1 घंटे के लिए हम जा रहे हैं या 2 घंटे के लिए हम जा रहे हैं, अपनी कन्वेंस से जा रहे हैं, रास्ते में हम कुछ सोच रहे हैं, बट वहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारे दिमाग में कई बातें चल रही हैं इस टाइप से। नेक्स्ट है मल्टी रिलीजन। मल्टी रिलीजन, आपको पता है कि जो हमारे इंडिया है उसमें इतने सारे रिलीजन हैं। कोई कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, ऐसे बहुत सारे रिलीजन है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है फैमिली सिस्टम। जो हमारा इंडिया का फैमिली सिस्टम है ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं। ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज में फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ भी फैमिली सिस्टम है, बट हमारा फैमिली सिस्टम थोड़ा सा रिजिड है। इसमें एक मुखिया होता है घर का, और इस तरह से हायरार्की बटी होती है। हम उस ट्रेडिशंस हैं हमारे, कुछ टैबूज हैं हमारी फैमिलीज़ के, तो एक ये अलग ही सबसेट है। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल सोसाइटी। इट मीन्स कि ये एक डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। जो भी हमारे जो मेन टास्क होते हैं वो मेल्स ही कर सकते हैं, उन्हीं को अथॉरिटी है करने की। जो लेडी हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको उनके सबॉर्डिनेट रखा जाता है। नेक्स्ट है मल्टी एथनिक। इट मीन्स कि इंडिया में इतने डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। जैसे बोडो हैं, नक्सल्स हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो उसी के आधार पर काम करते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लिंगुअल। इट मीन्स इसका डायलैक्ट से रिलेशन है। जो हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो अलग लैंग्वेज है, साउथ में जाओगे तो अलग लैंग्वेज है, ईस्ट में जाओगे अलग लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज है वहाँ की, हमें उनकी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं। ये मीन्स इनका ज्योग्राफिक एरिया कौन सा है, नॉर्थ है, साउथ है, कौन सा है। नेक्स्ट है मल्टी क्लास। इट मीन्स कि क्लासेस में भी क्लासिफाई करा गया है जो हमारे ऑडियंस हैं। जैसे कुछ लोअर क्लास हैं, कुछ अपर क्लास हैं, इस तरह से उनका डिवीज़न हुआ है। नेक्स्ट है जो इसका इम्पैक्ट क्या है, जो कम्युनिकेशन है या जो मीडिया है उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे कुछ सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट है और कुछ इंडिविजुअलिटी, जैसे कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी पर इम्पैक्ट है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो सोसाइटी से रिलेटेड है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो भी कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन रिच होती है, उससे हमें नॉलेज मिलती है। इंफॉर्मेशन से क्या होता है, हमें नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट है कोरिलेशन।
कोरिलेशन, रिलेशन में क्या होता है कि जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में या किसी भी जो मीडिया के टूल है उस पर हम देख रहे हैं, तो हम अपने आप को उससे रिलेट करते हैं। जैसे टीवी पर हमने देखा एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी वजह से परेशान है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी सिचुएशन को हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, इट मीन्स कि एक फ्लो बना रहता है, आप अपडेट रहते हैं सोसाइटी से, एक जो पाथ है उसका, उस पर आप हमेशा चलते रहते हैं। ये नहीं है कि आज आपको कुछ पता लगा, आप फिर उससे कट हो गए, आपको नेक्स्ट पता ही नहीं लगेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। इसलिए जो भी फ्लो है वो कॉन्टिन्यूस रहता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का एक ये मुख्य सोर्स है जो कम्युनिकेशन है, इससे हमें एंटरटेनमेंट, जैसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम है, बच्चों के लिए अलग हैं, ओल्ड एज के लिए अलग हैं, मेन के लिए अलग हैं, तो इस टाइप से वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन, इट मीन्स कि ये ऑडियंस को मोबिलाइज करता है, जैसे किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, जैसे लाइक पोलियो का जो अभियान है, एवरी जैसे जो पर्टिकुलर संडेज होते हैं उसमें हम पोलियो की डोज देते हैं, तो मोबिलाइज करता है कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप अवश्य पिलाएं, तो एक तरह से कैंपेन चला देता है जिससे जो ऑडियंस है वो मोबिलाइज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जो डेमोग्राफिकली है, जो मीन्स की जो आइडेंटिटी बेस्ड है, जैसे इंफॉर्मेशन, चाहे वो सोशल हो या आइडेंटिटी के लिए, पर इंडिविजुअल के लिए हो, इंफॉर्मेशन रिच होती है इसमें। पर्सनल आइडेंटिटी, ये पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है, इट मीन्स कि अगर कम्युनिकेशन जो है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसके जो भी उसमें से क्रक्स है उसको आप रिटेन करके रखते हैं, तो आपको अच्छी नॉलेज मिलती है और आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, इससे क्या होता है कम्युनिकेशन से आप अपने आप को इंटीग्रेट कर देते हैं सोसाइटी में, जो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं आप उसमें पार्ट लेते हैं। आप पार्ट उसमें कब लेंगे, जब आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, और सब्जेक्ट की नॉलेज कैसे होगी, कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आप कम्युनिकेशन को सुनते नहीं हैं या मीडिया नहीं देखते हैं, तो आपको जो भी रनिंग टॉपिक है उसके बारे में आपको नहीं पता लगेगा और आप इंटरेक्शन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो या इंडिविजुअल के लिए हो, ये एंटरटेनमेंट का एक मेन सोर्स है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।